हेलो फ्रेंड्स, सक्षम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा वीडियो है ये टोटली बीपीएससी पर बेस्ड होगा। इसके प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के जो तीन फेजेस हैं उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में एनालाइज करूंगी। तो इस वीडियो के आगे जितनी भी बीपीएससी की सीरीज आने वाली है उसमें मेरे हिसाब से ये सारे सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, अगर आप बीपीएससी में अपेयर होने वाले हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाले क्योंकि इसमें क्योंकि हम जानते हैं कि बीपीएससी वन डे एग्जाम नहीं है, इसके तीन फेजेज हैं और आपको ये तीनों जो स्टेज है वो क्रॉस करने के लिए एक जो एटीट्यूड होता है, जो अप्रोच होता है वो डेवलप करना होगा। तो मोस्टली वीडियोज में हम क्या देखते हैं कि जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि चलो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आया है तो मे बी नेक्स्ट ईयर वो रिपीट हो जाए या फिर उसके कुछ पॉइंट डिफरेंट करके फिर से उसको रिपीट कर सकते हैं, या मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं, बट देन वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। ये जो वीडियो है वो फुल्ली इस बात पे फोकस्ड होगा कि आप खुद अपना अप्रोच कैसे डेवलप करें, बिकॉज अगर आप वो डेवलप कर देते हैं तो आपको तीनों स्टेज क्लियर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक न्यूज है तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते ही होंगे, तो एक न्यूज को आप किस तरीके से प्रीलिम्स में और इंटरव्यू तीनों फेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्राची है और 63rd बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। तो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इस तरीके का रहा है कि जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था तो वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। सेकंड वालों में जो सेकंड मेरा अटेम्प्ट था 60% वाला, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। एंड जो थर्ड मेरा अटेम्प्ट था 63rd बीपीएससी, उसमें मैं फाइनली फाइनल लिस्ट में आ गई थी। तो ये जो प्रोसेस है वो एक बार ही में नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी टाइम लगा। और टाइम लगने का मतलब है कि वो जो चीज़ें मैं लैक कर रही थी हर एक फेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले अटेम्प्ट में हमारा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई हुआ, तो जब वो चीज़ क्वालिफाई नहीं होती है नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको क्वालिफाई करते हो, देन यू नो कि कहाँ पे आपकी कमी थी और किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपको जाना था जो पहले अटेम्प्ट में आप नहीं कर पाए तो आप उसको दूसरे अटेम्प्ट में करते हो। खैर जो 64th बीपीएससी है उसका मेन्स भी मैंने लिखा है, तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि ये आपको बहुत ही काम आएगा, बिकॉज मैंने तीन प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, दो मेंस क्लियर किए हैं, ऑब्वियसली एक इंटरव्यू क्लियर किया है। तो इस तरीके से आप प्लीज हमारा वीडियो आगे जो भी है आप अगर जो वीडियो लेके आने वाली हूँ आप सारा देखिएगा। तो खैर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, यहाँ जो मैंने एक लिस्ट बनाया है इस चीज का कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अप्रोच, न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स, ये सारे जो चीजें हैं जो मेन फोकस की बातें होती है जो आपको हर कोई नहीं बताता है। हर कोई आपको बताते हैं सीधा सीधा फैक्ट उठा के बता देते हैं कि ये चीजें याद कर लो, पर मैं वो नहीं करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज डेवलप करो खुद से, कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये बुक मैंने मैं इसके लिए रेफर किया था, तो इस बुक में हालांकि ये बहुत अच्छी खासी बुक है, बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, लेकिन काम की चीजें आप उसमें से कैसे निकालोगे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपको पता होता है कि एग्जैक्टली टू द पॉइंट आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत कम ही ऐसा जगह है जहां पर मैंने इसमें टिक मार्क किया हो, बहुत कम ही ऐसा है। बाकी जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट का चैप्टर है, तो इसमें मैंने बहुत ही कम मार्क किया है। जैसे इसमें मधुबनी पेंटिंग हो गई, मॉडर्न पीरियड का हो गया, तो मॉडर्न पीरियड जो है वो मेंस के एग्जाम में आता है तो मैंने उसको मार्क किया। मधुबनी पेंटिंग जो है वो आने के चांसेस होते हैं, अभी तक खैर हालांकि आया नहीं है पर चांसेस होते हैं। बट जो अदर फॉर्म है इसमें, जैसे मंजूषा आर्ट दिया हुआ है, वुड क्रेविंग ये सब दिया हुआ, तो वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जब हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हैं तो हमें हर कुछ अराउंड द वर्ल्ड जो भी चल रहा है हमें सब पता होना चाहिए, मतलब समहाउ दैट ट्रू पता होना चाहिए, बट देन आपको पता होना चाहिए आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपका जो फोकस है एग्जैक्टली वही होना चाहिए। और वो फोकस तभी आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर को देख
देख सको, एनालाइज कर सको, जो आपको पता चल जाए कि वो दिस इज एग्जैक्टली जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरा जो भी वीडियो है सब इस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है गाइस। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ हर एक चीज के बारे में, जो भी आपको बीपीएससी में जरूरी लगेगी, जो भी जरूरी होगा, वो सारा कुछ मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करके अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।